नमस्कार साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ भोपाल से, जहां यूक्रेन में फंसे छात्रों से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने चर्चा की है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां यूक्रेन में फंसे प्रदेश के छात्रों से स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा की है। विदिशा जिले की रहने वाली सृष्टि विल्सन से मंत्री ने फोन पर बात की। यूक्रेन में फंसी प्रदेश की बेटी सृष्टि को मंत्री ने आश्वासन दिया है। कहा कि फ्लाइट शुरू होने पर देश वापस आने की व्यवस्था का आश्वासन दिया गया है। कुछ दिन पहले ही सृष्टि की मां वैशाली विल्सन ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच लगातार विवाद गहराता जा रहा है। ऐसे में रूस ने यूक्रेन पर हमला भी किया है और वहां रह रहे भारतीय छात्र भी दहशत के माहौल में है। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थी के पेरेंट्स की चिंता बढ़ गई है। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनितीश, यूक्रेन और रूस के बीच विवाद गहराता जा रहा है, ऐसे में जो छात्र मध्य प्रदेश के रहने वाले यूक्रेन में फंसे हुए हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा की है। जी नीतीश, राजू, ऐसा है कि यूक्रेन के क्यू मेडिकल कॉलेज में जो है सृष्टि विल्सन एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। कुछ रोज पहले उनकी मां ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपनी बिटिया को वापसी कराने के लिए सोशल मीडिया पे गुहार लगाई थी। उसी को देखते हुए आज जिस तरह से आज यूक्रेन में मतलब रूस ने हमला कर दिया है और तनाव काफी बढ़ गया है, उसके मद्देनजर रखते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने वहाँ यूक्रेन में अपने किसी निजी जो भी उनका अपना संबंधी कोई वहाँ व्यक्ति था, परिचित था, उसको फोन करके स्थानीय स्तर पे सृष्टि को मतलब मदद पहुंचाने के लिए मतलब उनको बोला है। और साथ ही मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सृष्टि से भी फोन पर बातचीत किया है और आश्वासन भी दिया है कि किसी तरह की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश सरकार आपको लेकर के संवेदनशील है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने भी साफ कर दिया है कि अभी चूंकि फ्लाइट की सेवाएं यूक्रेन से भारत के बीच नहीं हो पा रही हैं, आज चूंकि एक फ्लाइट एयर इंडिया की यूक्रेन गई थी भारतीय जो वहां फंसे थे उनको वापसी कराने के लिए, लेकिन फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो पाती है। तो भारत सरकार का भी साफ कहना है कि जैसे ही यूक्रेन में स्थिति सामान्य होती है उसको लेकर के सरकार फिर से फ्लाइट सेवा शुरू करेगी। और अभी जो है शाम को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री यूक्रेन की घटनाओं को लेकर के बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। उस बैठक में सेना के लोग भी शामिल होंगे। हालांकि एक खुशखबरी, एक राहत की बात ये भी रही है कि अभी कल ही जो है मतलब मध्य प्रदेश के दो छात्र यूक्रेन से मतलब वापसी किए हैं। तो इससे लेकर के सरकार सभी अपने नागरिकों से अपील कर रही है कि किसी तरह की कोई सुरक्षा चिंता होने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी पैनी नजर बनाए हुए है। साथ ही जो है यूक्रेन में भारत सरकार ने एक अपना हेल्प नंबर जारी किया है। जो भी किसी तरह का कोई भी संकट हो सरकार उनसे संपर्क करके उनको स्थानीय स्तर पे जो भी उनको सुविधा हो सकती है वो मुहैया कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बार बार सबसे अपील कर रहे हैं कि किसी भी प्रदेश के बच्चों को कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा, बस थोड़ा सा हमें धैर्य का अपना परिचय देना होगा और स्थिति जैसे सामान्य होगी सरकार इस पूरे घटनाक्रम से पूरी अपनी संवेदनशीलता का लगातार परिचय देगी। जी नीतीश, ऐसे में भारत सरकार को अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, भारत सरकार तमाम बैठकें करने वाली है, पर व्यवस्थाओं को लेकर कैसे भारतीय नागरिकों को, कैसे भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस सुरक्षित लाया जाए, तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें, सृष्टि विल्सन जिनके साथ अभी ठगी का मामला भी सामने आया है, भारत उनको वापस लौटाने के नाम पर, भारत छोड़ने के नाम पर उनसे ठगी की गई, 42,000 रुपए की ठगी की गई, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका आश्वासन किस तरह से अहम हो जाता है? देखिए, यह बहुत साफ बात है कि जब किसी भी घटनाक्रम को लेकर के सरकार संवेदनशील हो जाती है तब उसमें बस नागरिकों का और यही सबसे बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि हमें अपने अपनी विवेकशीलता का हमें लगातार परिचय देना होगा। अगर हम थोड़ा सा भी उत्तेजित होकर के और परेशानी में आकर के हम कोई भी इस तरह का कदम उठाते हैं
तो स्वाभाविक सी बात है कि हम किसी न किसी जो है मतलब घटनाक्रम के हम शिकार हो सकते हैं। तो भारत सरकार भी सबसे यही अपील कर रहा है कि आप किसी भी तरह से पूछ लीजिए, हमारे एम्बेसी से आप संपर्क करिए, एम्बेसी से जो भी सुविधाएं होंगी वो हम मुहैया कराएंगे। लेकिन बस एक अपील ये है कि स्थिति सामान्य हो, उसमें नागरिकों का भी कर्तव्य है, भारतीय बच्चों का भी कर्तव्य है। हाँ हालांकि क्योंकि जिस तरह से वहाँ विकट परिस्थितियां उत्पन्न होते, स्वाभाविक सी बात है कि आदमी कुछ देर के लिए मतलब परेशान में हो जाता है कि वहाँ आपका अपना कोई है नहीं। जी बिल्कुल नीतीश, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां यूक्रेन में फंसे प्रदेश के छात्रों से स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने चर्चा की है, बातचीत की है और आश्वासन दिया है कि उन्हें सुरक्षित भारत लाया जाएगा, मध्य प्रदेश लाया जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की रहने वाली सृष्टि विल्सन जो विदिशा जिले में रहती है, जो यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और वहां फंस गई है, और जहां परिवार भी चिंता में है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने आश्वासन दिया है।